मैं उस मत हो बंदे वजूद तेरा छोटा नहीं, तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। जिंदगी ऐसे जियो जो खुद को पसंद आए, दुनिया वालों की पसंद तो हर पल बदलती रहती है। लॉर्ड कृष्णा जी कहते हैं जो व्यक्ति भावनाओं में उलझ कर रह जाता है उसे कभी बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं होती। इसलिए सब बात भूल कर सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। चल जिंदगी नहीं शुरुआत करते हैं, जो उम्मीद औरों से की थी वो अब खुद से करते हैं। समय एक धारा की तरह है, जो अगर वह गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना, किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वालों के नहीं। निस्वार्थ से कर्म करते रहिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। थोड़ा विलंब होगा पर सर्वश्रेष्ठ होगा। बाहर निकलो, दुनिया देखो, सीखो, धोखे खाओ, अनुभव करो, मजबूत बनो। शक्ति ऐसे ही आएगी, वरना घर पर सोए सोए एक उम्र बीत जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता। बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, तरक्कियों दहेज में नहीं मिलती, इन्हें कमाना पड़ता है। जब जिंदगी समंदर में गिराती है तो वक्त तैरना भी सिखा देता है। एक उम्र वो थी जब जादू पर भी यकीन था, एक उम्र ये भी है कि हकीकत पर भी शक है। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसे से बनने लगे हैं। मेहनत, इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय से लक्ष्य की तरफ पढ़ने वाले कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। चक्रव्यूह बनाने वाले सारे अपने ही होते हैं, बदली नहीं ये बात कल भी और आज भी। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। सब्र रखो, जिंदगी तुम्हें वो हर चीज देगी जिसके तुम लायक हो। मासूम लोग मूर्ख नहीं होते, वे बस यही सोचते हैं कि हर किसी का दिल अच्छा है। इंसान अपने किरदार से महकता है, चरित्र को पवित्र करने का इत्र नहीं आता। बाहर वालों की सुनोगे तो बिखर जाओगे, अंदर अपने मन की सुनोगे तो समर जाओगे। दोस्त उसे बनाओ जो दिल से बच्चा हो, उसे नहीं जो दिखने में अच्छा हो। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोच का, सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्ते का। आकर और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकती हैं, इसी में जीवन का सफल है।